हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीडीएस की जो वैकेंसी फिल की गई थी, जो कि मेरिट बेस्ड थी, तो उसका शॉर्ट लिस्ट, कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है स्टेट वाइज। वो आप लोग चेक कर लीजिए कि किन स्टूडेंट्स का मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का बताऊँगा। कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो अपनी लिस्ट? अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस पर भी ब्राउज़र पर गूगल ओपन कर लीजिए और उस पर लिखिए सरकारी रिजल्ट्स। ओके, तो आप सरकारी रिजल्ट लिखोगे तो देखिए सबसे पहले एक लिंक आएगी, वेबसाइट ओपन होगी, www.sarkaririzalt.com। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ऑल इंडिया जितनी भी PSUs या गवर्नमेंट या प्राइवेट की वैकेंसी आती हैं, एडमिट कार्ड्स रिलीज हुए होते हैं एग्जाम्स के, या फिर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म आया हुआ है, ओके, आंसर कीज या डिफरेंट प्रकार की, खासकर यूथ के लिए बहुत ही बेनिफिट ये वेबसाइट है। ओके, इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल सकती है। तो देखिए, इसमें ये टैब बना हुआ है यूपी बोर्ड रिजल्ट, 12th का आया हुआ था, 10th का, ये यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यूपी PGT 2022 और IBPS, सुप्रीम कोर्ट JCA का फॉर्म आया हुआ है, और असम राइफल का, और देखिए अग्निपथ स्कीम का फुल डिटेल के बारे में, अग्निपथ के लिए आई हुई है वैकेंसी। तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया पोस्ट के जो रिजल्ट, देखिए ये इसमें जो रिजल्ट का सेक्शन बना हुआ है उसमें देखिए बिहार BPSC LDC रिजल्ट 2022 का आया हुआ है, और यहाँ पे इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट 2022 ऑल स्टेट से अपलोडेड है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा, इसमें सबसे नीचे देखना, इसको फॉर्म फिल करने के लिए जनरल OBC बॉयज़ की 100 रुपीज फीस थी, और SC ST PH सभी की जीरो थी, और ऑल कैटेगरी की फीमेल का भी 0 रुपये फीस थी, बिल्कुल फ्री फॉर्म था। तो ये देखिए स्टेट वाइज पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट थी, और यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, लिखा है डाउनलोड रिजल्ट DT 20/6/2022 को ये आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, इन सभी के रिजल्ट यहाँ पे मेरिट वाइज डिक्लेयर हुए हैं। आप तो जैसे यहाँ पे आपको यूपी का ओपन करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो यूपी की खुल गई लिस्ट। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव डिवीजन हेड इन कनेक्शन विद GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल 4। ओके, उत्तर प्रदेश सर्किल। तो देखिए उत्तर प्रदेश सर्किल का है, एक खास बात इसमें और लिखी हुई मेंशन है यहाँ पे, ये भी नोट कर लेना, द लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाई द मैंशन डिवीजन हेड बिफोर 5/7/2022। तो 5 जुलाई 2022 से पहले अपने डॉक्यूमेंट जो कंसर्न ऑफिसर है उससे आपको वेरीफाई करा लेने हैं। द कैंडिडेट शुड गो अलॉन्ग विद ऑल द रिलीवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरीफिकेशन। कैंडिडेट को सभी अपने ओरिजिनल, मूलभूत जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके, और ये ऑफिसर का नाम जो दे रखा है उसका ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई कराना है। जैसे ये सीरियल नंबर देखिए लिखा है, आगरा डिवीजन में ऑफिस है अरनोटा BO, ये आपका GDS ABPM और डाक सेवक का है, पोस्ट SC की है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुमारी दीक्षा इनका नाम है, और इनके 100% शेड्यूल्ड SC कैटेगरी में है, फीमेल हैं, और ये डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विद, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कौन करेगा? SSP आगरा उत्तर प्रदेश। तो ये उसका भी कंसर्न ऑफिसर का नाम भी लिखा है। तो इसी तरीके से देखिए आपका ये आगरा डिवीजन के कैंडिडेट्स का है। ठीक, आगरा के बाद देखिए दूसरा स्टेट इसमें अलीगढ़ आ गया आपका, अलीगढ़ मंडल है। ठीक, ये डिवीजन वाइज है। ठीक है, अलीगढ़ के बाद यहाँ पे है, ये सभी अलीगढ़ के, यहाँ पर लिस्ट में चेक कर सकते हो। उसके बाद अलाहाबाद डिवीजन है, इसी तरीके से पूरी अयोध्या आ गया। आप जिस भी किसी का जिन लोगों ने GDS का फॉर्म अप्लाई किया था वो इस मेरे द्वारा बताए गए वेबसाइट पर जाके इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, और 5 जुलाई 2022 से पहले अपना डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में दिए गए कंसर्न ऑफिसर से वेरीफाई करा लें। ठीक है, अपना नाम चेक कर लें, और नाम अगर मेरिट में है तो वो जल्द से जल्द अपना कंसर्न ऑफिसर से वेरीफाई करा लें। ओके, तो
आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट हुई होगी उन बच्चों के लिए जो अपना फॉर्म फिल किए थे जीडीएस में और उनको मेरिट की सूचना नहीं पता है, तो सूचना अपना मेरिट देख के और कंसर्न ऑफिसर से समय रहते ही वेरीफाई करा लें। ओके, तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, वीडियो शेयर कर देना, ताकि जब भी कभी कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म निकलता है या कोई एडमिट कार्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा। ठीक है।